कोरिया जिले में हवाई पट्टी के लिए बजट में 1 करोड़ की घोषणा के 2 दिन बाद ही हंगामा खड़ा हो गया। हवाई पट्टी का सर्वे करने असलका गांव पहुंची टीम का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों की माने तो हवाई पट्टी से लगभग 250 घर टूटेंगे, लेकिन जमीनी मालिक किसी भी कीमत पर अपनी जमीन का अधिग्रहण कराने को तैयार नहीं है, इसीलिए विरोध हो रहा है। इस दौरान ग्रामीण पुलिस वाहन के सामने 20 सड़क पर लेट गए। विरोध उग्र होता देख पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कैसे तालमेल बन पाता है। हमारा दादा पुरखा की जगह जमीन है, हमारा दादा पुरखा मर गए, हम लोग यही मरे। पट्टा है आप लोगों का? पट्टा है, सब कुछ है। मर बिना के से खत्म आवाजे हमारे जमीन लाए, हवाई अड्डा बनाए भर लिया तो हमरे कहाँ दे पा सरकार। हमरे का अपन बाल बच्चा छोट छोट का घर दुरा बना के दिए खातिर गरीब आदमी हमरे कहाँ भर। हम लोग का कोई खोजी ना कोई पछड़ी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जमीन में हम लोग बसे हैं। इसी जमीन को सरकार लूटने जा रहा है तो हम लोग साथ तरह से कि हम लोगों का बेलन चढ़ा के हम लोगों को मार दिया। तस्वीरें कोरिया की आपको दिखा रहे हैं। हंगामा करते हुए ग्रामीण साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा। ये ग्रामीण है, देखिए किस तरह से यहां पर ड्रामा जो है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है। 20 सड़क और पुलिस और वाहन के सामने ये आकर जो युवक है लेट गया, या महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विरोध कर रही हैं। और साफ तौर पर आपको बता दें 250 घर यहाँ पर हैं जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई जो है अब शुरू होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह की कार्रवाई अभी की गई, क्या वो जो अतिक्रमण करके रखा है, जो पट्टे हैं, मकान है, क्या तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है और किस तरह का माहौल अभी वहां पर नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इस प्रकार की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला कि बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब हवाई पट्टी की घोषणा की तो उस पर जब ग्रामीणों को मालूम चला कि हमारी जमीन शासकीय हवाले में जाने वाली है, शासकीय इसको अधिग्रहण करने वाली है, तब उन्होंने रोष जागा और वो रोड पर आकर के हंगामा मचाने लगी। जी, दिनेश, और अभी क्या कुछ जानकारी इस मामले में पूरी मिल पा रही है? अभी जिस तरह से ग्रामीण बोल रहे हैं कि वो अतिक्रमण यहाँ से हटाने, अतिक्रमण क्या, वो जो जगह है वहां से अपने मकान नहीं हटाएंगे, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ अधिकारियों का अभी कुछ कहना है कि उन्हें कुछ दिया जाएगा इसके बदले? जी, लेकिन इस बात पे तो अधिकारियों ने कहा है कि हम आपको जमीन देंगे या आप मुआवजा देंगे, लेकिन उनकी पूर्वजों की जमीन है और वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्हें बोला भले कुछ भी हो जाए वो उग्र तरीके से अपना यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जी, कोई बड़े अधिकारी पहुंचे, उनका कुछ कहना था कि इसके बदले में उन्हें कुछ दिया जाएगा, उनके आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, कहां जाएंगे वो भी, क्योंकि लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं। 250 परिवार कम परिवार नहीं होते, काफी सारी तादाद में यहां पर लोग रहते होंगे। जी, मैं आपको बता दूं, जब इस जानकारी की, इस बात की जानकारी जब अंबिका सिंहदेव स्थानीय विधायक को मालूम चली तो उनका कहना है कि हम ग्रामीणों से जाकर बात करेंगे और जो उचित एक रास्ता निकल सके वो रास्ता निकालेंगे। चलिए, अब कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या वहां से अभी जो पुलिस प्रशासन पहुंचा था, टीम पहुंच रही थी मुआयना करने के लिए, वहां पर जो सारा काम शुरू होगा वो टीम जा चुकी है या अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है? मैं आपको बता दूं, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में हवाई पट्टी की घोषणा की बैकुंठपुर में, उसके बाद से तो ग्रामीणों में कोलाहल मच चुका था, लेकिन वो अपनी जमीन देने को तैयार ही नहीं है और उनका कहना है कि हम जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद अधिकारियों से हालांकि ग्रामीणों ने बातचीत की, उनके सरपंच, जो गांव के स्थानीय सरपंच, उन्होंने बात की, लेकिन अभी कोई मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश। बेमित्रा जनपद पंचायत